गुड मॉर्निंग गाइस। तो आज है बुधवार और आज बुधवार तो गाइस यार आज है गणपति बब्बा का दिन और हम इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे क्योंकि अब फाइनली अपन अपनी रानी को यानी कि एस्कनोर को ब्लैक मस्टैंग को गणपति बब्बा के धोखने ले जाएंगे। गाइस यार आपको तो पता ही है जब भी अपने घर के अंदर कोई भी नया व्हीकल या कुछ भी आता है तो बुधवार को या फिर संडे को गणपति बब्बा के लेके जाया जाता है। तो चलो सभी लोग चलते हैं, आज बुधवार है, गणपति बब्बा के पास में आशीर्वाद भी लेंगे। तो मेरे साथ में भी गज्जू है, दिनेश है, मनीष है। मनीष तो गधा है, देखो हंसी भी आ रही है इसकी इस बात में। हाँ बोल, क्या है, क्या डोंगी मतलब क्या होता है, गधा मतलब क्या होता है, गधा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हंसते चेहरे का मतलब ये नहीं होता कि उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। चलो गाइस तो ये हम पहुंच गए ऑफिस के अंदर। गोविंद तो पहले से ही तैयार है यार। अरे वाह वाह गाइस गाइस कंप्लीट हो गए। अरे भाई लोग भी आ गए अपने। वाह यार दुल्हन दुल्हन। तो गाइस ये रही फाइनली अपनी रानी, इसे आज लेके चलेंगे गणपति बब्बा के यहाँ पे। ये रहा अपनी सबसे मेन चीज और उससे भी मेन चीज ये रही आगे। सबको लगना चाहिए जब ये चले तब कि ये किसकी गाड़ी है, ये है टाइटेनियम आर्मी की गाड़ी। मोटे जल्दी चल, मेर पे क्यों बरसा रहे हो भाई फूल यार, जल्दी चलो भाई, वो पंडित जी ने टाइम दिया है, वो मुहूर्त निकलावा है, मुहूर्त निकलावा। अबे मिट्टी कैसे लग गई भाई। मोटे कितनी बार कहा 35 तक कोई स्क्रेच नहीं, कोई धूल नहीं आनी चाहिए, समझ में नहीं आती तेरे को। मनीष जीप से साफ कर, जीप से, अरे जीप से साफ। हाँ भाई गोविंद कहा चल रहा है, गाड़ी को दुकाने के लिए। कहाँ दुकाने के लिए चल रहे भाई? गणेश जी पास। गणेश चल रहे? हाँ। तो तुम भाग क्यों रहे पीछे पीछे? अरे भाई क्या बताऊँ। चलो गाइस लेके चल रहे, चलो चलो यार चलो बैठो बैठो जल्दी चलो। चलो गाइस फाइनली निकलते हैं, चल मोटे चल। गाइस जो स्पीड की रानी है वो कछुए की तरह चलेगी यहाँ पे क्योंकि जो रास्ता है वो बहुत ज्यादा टफ है इसके लिए। गाइज एक बात तो है यार, जब भी अपनी रानी बाहर निकलती है ना अपने घर से, लोग ऐसे देखते हैं उसको जैसे कि वो सही में दुल्हन हो। क्या दुल्हन भी है लेकिन फिर भी मतलब एक नहीं हुआ, लोगों की निगाह तो इससे पड़ती ही पड़ती है। गोविंद कहाँ चल रहे अपन वैसे? ठीक है गाइस, तो हम जहाँ जा रहे हैं उस स्थान को खोडा गणेश जी के नाम से जाना जाता है। वैसे तो वो जो जगह है वो हमारी लोकेशन से बहुत पास में आधे घंटे का रास्ता है लेकिन मस्टैंग वहां से नहीं जा सकती है, इसीलिए हमें हाईवे वाले रूट से जाना होगा और लगभग 2 गुना ज्यादा दूरी हमें तय करनी पड़ेगी मंदिर तक जाने के लिए। तो रानी बड़ी मुश्किलों से आ गई है अपने ट्रैक के ऊपर। अब मोटा भाई अब कुछ हो जाता है, गाड़ी जैसे ही हाईवे पे चढ़ती है ना स्माइल चेंज हो जाती है इसकी। अरे आराम चलाने में स्माइल के साथ गाड़ी साउंड चेंज हो जाता है हाईवे पे जाते ही। अरे साउंड क्या जो आते हैं सब घर में देख रहे हैं, पता नहीं क्यों गाइस। दिनेश को भूख लग गई है तो पहले कचोरी ले लेते हैं। मोटे कचोरी लेंगे यहाँ से है ना, तो घुमा लियो, वो लोग आए नहीं अभी तक, यहाँ से कचोरी ले लेते गाइस। कहते हो बढ़िया, चलो भाई लोग मिल गए यहाँ से। क्या कर लिया हाथ को? हाथ को क्या कर लिया? वो पेड़ से गिर गए। चलो ख्याल रखो अपना है ना। गाइस यार मेरा तो रुकने का पहले तो कुछ लाया ही नहीं, क्या करूँ अभी भीड़ होगी फिर मैं क्या करूँ, लोग परेशान होते हैं इसलिए। आगे से ले लियो तो लोग परेशान नहीं होने चाहिए। गाइस कचोरी खाने के लिए रुके थे, सिर्फ रेडबुल ले पाए, थोड़ी सी भीड़ ज्यादा होने लग गई थी यहाँ पे, तो फिर लोग परेशान होते हैं यार इस वजह से, और तो कुछ भी नहीं है। मैं नहीं चाहता कोई भी परेशान हो इसलिए फिर हम तो निकल गए। कचोरी वापस आते टाइम नहीं भाई। तो गाइस बस एक ही रीजन है जिसकी वजह से आज तक इससे पहले हमने स्पोर्ट्स कार नहीं ली थी, उसका रीजन अभी आपको मैं बताता हूँ। देखो ऐसे रास्तों के अंदर ये सरवाइव नहीं कर सकती यार। देखो इतना छोटा सा जंप है ना, उसके बावजूद भी इसके अंदर हमें डर है कि ये कहीं अड़ ना जाए क्योंकि इसका ग्राउंड क्लियरेंस बहुत ज्यादा नीचा है, तो इसको ऐसे तिरछी करके फिर निकालनी पड़ेगी, जगह जगह पर उतर के चेक करना पड़ेगा। देखो पूरा ऐसे तिरछे के अंदर काट के
जान दे चलो। बस यही परेशानी आती है, बाकी तो सब ठीक है ऐसे रास्तों के लिए। और जहाँ पे हम लोग रहते हैं वहाँ के लिए तो ये घोड़े ही ज्यादा सक्सेस है 4x4। तुम क्या शुरू भाई बात है यार। अरे यार ऐसा नहीं होता यार, आपको बताएंगे तो आप हंसोगे यार। चल बता दे थोड़ा, मैं ही हंस लूं। नहीं ये अभी वीडियो जैसे ही कैमरा चालू होता है तो आप, वरना तू तेरे हारो। ये खुद के लिए बोल रहे हैं, मेरे लिए नहीं बोल रहे, ठीक है ना। ब्लॉग आएगा कि? हाँ बिल्कुल आएगा ब्लॉग, छोटा भाई फेमस हो गए। यहाँ पे रोक दे यार, कब से कह रहा हूँ टॉयलेट लग रहा है। गाइस इनकी बहुत आदत खराब है, किसी इंसान को टॉयलेट लग रहा होता है ना, ड्राइविंग टाइम ज्यादा लगता है, उसी टाइम ये करने ही नहीं देते यार। करो करो भाई लोगो, आज इनको टॉयलेट ही करने दो, यहाँ पे अपन छोड़ के चले जाते हैं, निकल जाओ। हेलो कमीनो, याद रखूंगा मैं। गाइस यार ये दिनेश जो है बहुत कमीना इंसान है, मैं जैसे गया वो भाग ही गया गाड़ी लेके। खैर विक्रम और यार है पीछे धीरे धीरे कछुए की चाल से, उनके साथ चलते हैं। भैया 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 लिफ्ट लिफ्ट लिफ्ट। अरे कमीना हमारा दोस्त है, छोड़ दीजिए यार। ये वायदा भी होता है गाँव में, लिफ्ट आसानी से मिल जाती है। इसको लगा पैदल आए, पैदल आना पड़ेगा मुझे, पैदल नहीं आऊंगा मैं। थैंक यू भाई साहब, धन्यवाद आपको बहुत बहुत। भी गाड़ी को पीछे करो, भी गाड़ी को याद रखूंगा याद। अबे याद रखूंगा तुम्हें। अरे बाद में खिंचवाऊंगा फोटो, कोई दिक्कत नहीं है, बाद में आराम से। आज के बाद नहीं दूंगा तुझे चाबी। भाई साहब गणेश जी तक छोड़ दोगे क्या? गाइस यहाँ पे बहुत ज्यादा भीड़ है, बाइक की मदद से भैया मेरे को पहले ही लेके आ गए और वो लोग फंस गए, वो छोड़ के गए थे ना, वो उसकी सजा मिल रही है उनको। अभी मेरे को जाना पड़ रहा है उल्टा वहाँ पे रास्ता कराने के लिए, पुलिस की तरह हमें देखना पड़ रहा है सारा सीन। मुझे छोड़ के गए थे तुम लोग, तो मैं ही आया बचाने। गाइस जी आ गए हम मंदिर के अंदर और यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ज्यादा भीड़ है। गाइस फाइनली नारियल दे दिया, माला भी ले ली, दर्शन भी हो गए, मेरा टूटा हुआ नारियल। भीड़ बहुत ज्यादा थी गाइस। मस्त प्लान है गाइस, आज के ये हमारे बॉडीगार्ड हैं, यही मुझे एस्कॉर्ट कर रहे हैं। भाई रास्ता बना रहे मेरे लिए, थैंक यू यार। हेलो कैसे हो? हेलो हाय कैसे हैं? शुक्लांबर धर्म विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लाम्बरधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। शुक्लाम्बरधरं विष्णु गाइस ये मेरे बॉडीगार्ड मेरे साथ है, इसी ने मुझे भीड़ से निकाला और ये भैया हैं, इनका भी बहुत बहुत शुक्रिया, इन्होंने हमारा वेलकम किया। बाकी मैं ज्यादा वहाँ पे अब नहीं रुक सकता हूँ, कुछ ज्यादा ही थोड़ा सा। अरे थैंक यू यार, थैंक यू सो मच। एक मिनट दो दो, अपने एक मिनट दो दो। थैंक यू ब्रदर, आर्मी के लिए थैंक यू ब्रदर। क्या नाम है आपका? बबलू। अरे वाह, बबलू जी ने भी बड़ा प्यार दिखाया। तो अब मैं थोड़ा साइड में, अपन दूसरी गाड़ी में ही चलना निकलना पड़ेगा, क्योंकि उसमें तो अब नहीं आ सकते, बहुत ज्यादा ही भीड़ हो जाएगी। चलो मैंने तो शूज भी नहीं पहने, देखो फॉर्चुनर आ गई और इसमें बैठेंगे। चलो ठीक है भाई, बाय बाय, थैंक यू। फाइनली पूजा करके आ गए हैं, ये भैया ने बहुत हेल्प की है हमारी। निकल निकल जा, दिखे मत यहाँ पे। गेट सॉरी यार, मैंने ना आप वहाँ पे बिठाया नहीं, क्योंकि है ना हम चार भूलते हैं। ठीक है ठीक है, चलो 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 गाइस, फाइनली पूजा हो गई और अब वापस चलते हैं। बाय बाय गाइस, ये हम पहुंच गए ऑफिस, और ऑफिस के अंदर जो भी है उनके लिए सरप्राइज है, सरप्राइज है माजा। तो गाड़ी बंद करते हैं,
और मैं आपको दिखाता हूँ कि गाड़ी जब इतनी चल के आती है तो कितनी गंदी हो जाती है। हमारे इधर देखो गंदी बहुत जल्दी होती है, ब्लैक कलर का यही नुकसान है गाइस, ब्लैक कलर बड़ा जल्दी गंदा हो जाता है। ये अपनी भूसा खड़ी है यहाँ पे, इसको भी माता रानी के लेके चलेंगे, इसे भी माता रानी के लेके जाते हैं, लेकिन उधर यार रास्ता वैसा नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए भवानी जय हिंद जय भारत। चलो मजा पिलाते हैं उनके अंदर। क्या कुछ भी नहीं, कुछ ये नहीं। क्या गाइस, अब लड़ाई होगी, बाय बाय।